हेलो दोस्तों, हम अभी देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 22/10/2017 का हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस आने वाले आगामी परीक्षा 2018 के लिए आप प्रीवियस पेपर सभी बना लें, ताकि आप कहीं भी, आपको अगर सेट प्रैक्टिस रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उपभोक्ता कानून 1986 जो है ये को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये जो था आपका क्यों अपनाया गया था। ठीक है, तो ये उपभोक्ता कानून 1986 ये उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा, आप सामान खरीदते हैं, आप उसकी मान लीजिए चोरी करता है तो आप इस कानून के तहत केस कर सकते हैं, आपके सुरक्षा अधिकार, ग्राहकों को शिकायत, आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये जो होगा इसका आंसर जो होगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, सैसव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। क्वेश्चन नंबर 2, सैसव संघ जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का सैसव संघ जो है, सैसव सैसव बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा आंसर 1 होगा। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये महानदी पर है, ये जो उड़ीसा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, लकड़ी बायोमास है, ठीक है, गोबर भी बायोमास है, कोयला भी बायोमास है, परमाणु ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी होगा। ठीक है, आगे चढ़ते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पर 5। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है इसका होता है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मित्र मिजोरम त्रिपुरा ही गया, मित्र पर पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, राजस्थान भी आएगा, मित्र पर गमछा, ग से मित्र पर गमछा झार, तो इस जो होता है उड़ीसा नहीं आएगा। ठीक है, 5 का सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा की इकाई होती है, जैसे बिजली देखते हैं, बिजली हमारे जो घर में बोर्ड बैठा रहता है मीटर, उसमें किलोवाट घंटा में ही मापा जाता है, तो वो बिजली का एटॉमिक एनर्जी मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है। तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनल, क्वेश्चन नंबर 7 का, ये बांद्रा टर्मिनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लार्वा के कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये वृद्धि क्यांतरण, ये और बी दोनों, तो ये केवल क्यांतरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। तो डंपिंग का अर्थ जो है यो है ये सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर निर्यात करना। ठीक है, डंपिंग का यही अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापन गौतम बुद्ध थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द प्रीटी एज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। ठीक है, तो प्रीटी का जो है आपका यहाँ पर इंग्लिश पूछा गया, तो प्रीटी का जो है एंटोनिम पूछा गया। ठीक है, तो आपका 11 का जो होगा ये प्रीटी मिस होता है सुंदर। ठीक है, तो अगली मिस होता है क्रूप एंटोनिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के कौन सा संगठन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का वन केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो होगा, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो ये भौतिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्यभट्ट एक महान थे, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री एवं गणित दोनों खोज थे, जीरो का शून्य का खोज इसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, यदि m बाई 2 माइनस 2 बराबर 6 तो m बराबर क्या होगा। तो आप इसे हल करेंगे तो m बाई 2 2 2 एलसीएम लेंगे तो इसे नहीं आएगा। ठीक है, तो m बाई 2 इधर है,
ठीक है, और अगर छः आप प्लस इधर में आ जाएगा दो, ठीक है, तो ये एम बराबर आठ हो जाएगा, आठ है इधर से गुण, ये भागा में तो गुणा में तो आठ दूनी 16 होगा, ठीक है, तो ये ऐसा होगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। ये 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अधिकरण कारण के लिए चिन्ह क्या है, अधिकरण के कर्ता ने कर्म को कारण से अपदान से जुदाई, ठीक है, संबंध का के कि अधिकरण में पैपर होता है, ठीक है, तो ये कारक हिंदी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी तत्व के परमाणु संख्या 16 हो, द्रव्यमान संख्या 32 हो, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी, न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होगी, ठीक है, तो ये द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 का सी होगा, 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए, फिल इन द ब्लैंक, इट ट्रेवल्स बाई होता है, ठीक है, बाई कार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, शून्य को नहीं दर्शाता है अर्थात 2/0, ठीक है, 1/0, तो जिसके बट्टा में शून्य हो जाता है वो जो होता है उन्हें इन्फिनिटिव दर्शाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पढ़ना शब्द किस के प्रकार की क्रिया है, तो ये सकर्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का रबड़ का उत्पादन, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है रबड़ का जो होगा केरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु के केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ये किसने कहा था, तो बोहर ने कहा था, नील्स बोहर, ठीक है। 23 के 24 का क्वेश्चन 24 देखते हैं, ठीक है, 24 का आप देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, आई ए माइनस 2ab या प्लस 2ab कट जाएगा, तो 2a कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 24 का सी एक सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 25, समीकरण भी बराबर यू प्लस ए टी क्या जानकारी देता है, ठीक है, तो ये वेग समय का एक फंक्शन है, ठीक है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, किसने कहा था, तो ये जो कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम है, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है, तो ये राजमार्ग है, ठीक है। पयोधि शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, पयोधि जो है वो समुद्र का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ये निम्न में से सही कथन है, तेल पानी में मिल जाता है, स्टोर पानी में घुलनशील है, नहीं पत्थर पारदर्शी हो और कांच पारदर्शी है, नहीं चीनी पानी में घुलनशील है, ये सही होगा, ठीक है, क्वेश्चन डी होगा जो सही होगा, 30 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य 5 है, ठीक है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस और चाइना, ठीक है, तो 5 हो गया, 31 का डी होगा। GST लागू करने वाला पहला राज्य जो है असम है, ठीक है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाता है तत्सम, ठीक है। हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन थे, उपन्यासकार जो थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे, ठीक है, तो 34 का होगा आंसर डी। 35 का जो होगा, अगर घनाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ab, इसका आयतन क्या होगा, ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई किसी भी चीज़ का आयतन होता है, मान लीजिए उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आयतन कहते हैं, ठीक है, तो गुणा कर देंगे, ठीक है। 35 का ये द्वितीय 6 × 12 तीन गो ए है, तो एक ही होगा, और फिर तो 35 का जो होगा वो आपका ए होगा, 12 a³ b c² 10 कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। 36 का आपका जो होगा वो
बी होगा। अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल एक परजीवी का है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का मुख्य कारण रहा, ठीक है, तो ये जो होगा सी होगा, कम कीमत वाले मशीन का विकास और भेदभाव टैरिफ नीति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 जो है बसा है यहाँ पर, तो बसी पदार्थ खाने से ज़्यादा खाने से क्या होता है, तो मोटापा बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को। तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तीन ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो एक 42 का देखिए यहाँ पर, ये कल्याणकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसान के लिए है, SCG बैंक लिंकेज कार्यक्रम किसान के लिए है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसान के कर्मचारी रेफरल योजना ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है तो प्रसवेदन कहलाता है। चेंज द नाउन अप्लीकेशन इंटू इट्स वर्ब, अप्लीकेशन का नाउन है, ठीक है, इसको वर्ब में बदलना है, तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा डी, अप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ गिवन वर्ड अफेक्शन, अफेक्शन का एडजेक्टिव चुनना है तो अफेक्शनेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वृद्धि का सही विलोम है, वृद्धि का सही विलोम है क्षय, ठीक है, तो ये क्षय होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल जीरंड, आई एम अवर्स टू ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग होगा। 47 का डी होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनिटिव, इट इज़ नॉट ईजी ऑल पीपुल, ब्लैक ब्लैंक, ठीक है, 48 का ब्लैंक में जो होगा टू प्लीज होगा, इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपुल। निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो अधातु जो है वो फ्लोरिन है। क्वेश्चन नंबर 50, त का उच्चारण क्या है? तो लितु नाम दंत, त ल री का जो उच्चारण होता है वो दांत से होता है, इसका फॉर्मूला होता है ऋतु नाम दंत, ठीक है। 51 का जो है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है, 51 का भी। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 21 जनवरी 2004 में। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये दक्षिणी भाग को जो कहा जाता है वो शिवालिक कहा जाता है, सबसे बड़े भाग को हिमाद्री कहा जाता है। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाता हो, उसमें मान का ये सभी, तो सभी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 54 का डी। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, 55, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है, व्यंजन 33 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना है आधुनिक भारत का मंदिर है, किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन, और लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम जो लेते हैं, लेते हैं ऑक्सीजन श्वास श्वसन के लिए और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, एग्रोस्ट्रोलॉजी एग्रोनॉमी होता तो कृषि विज्ञान, लेकिन एग्रोस्ट्रोलॉजी है तो घास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, पानी का रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 60, ईस्ट का सरकारा में अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है किण्वन। क्वेश्चन नंबर 61, दक्षिण मानसून पश्चिम मानसून में हवा किस ओर से बहती है? किसी भी मानसून में हवा जो ज़्यादातर होती है समुद्र से ही आएगी और भूमि की ओर होती है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का भी। क्वेश्चन नंबर 62, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो होती है आपका, क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा डी होगा, 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, 9.8 kg को ग्राम में बदलना है, 9.8 के ग्राम में, तो ग्राम में बदलना है तो हम इसे kg में बदलना है, ठीक है, ग्राम है kg में बदलना है, 1000 से गुणा करेंगे तो 9800 ग्राम होगा, ठीक है। आप यहाँ पर प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 का डी, ओम होगा, ठीक है। भर पेट में कौन सा समास है? ठीक है, 65 का जो है, 65 का भर पेट में, भर पेट माने अर्थात पेट भर के, ठीक है।
ठीक है, अव्ययभी भाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में कौन सा देश गंगा को साफ करने के में अहम भूमिका निभा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा वो जर्मनी होगा। ठीक है, ये वन होगा जर्मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 67। ठीक है, कवि शब्द की स्त्रीलिंग रूप है ये कवित्री होता है। ठीक है, पोलियो चेचक रोग का होता है किस कारण से? तो ये जो होता है पोलियो और चेचक जो होता है वायरस के कारण विषाणुओं के संक्रमण के। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र, तीसरा नंबर बिहार जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन होता है ये जाइलम द्वारा, जल जो ले जाता है नीचे से तो जाइलम द्वारा, जो भोजन को फैलाता है ऊपर से लेकर नीचे तक तो फ्लोएम कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब ऑफ अफेक्शन, तो अफेक्शन का अफेक्शनली हो जाएगा 71 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध होता है? CH4 का तो CH4 में देखते हैं ऐसे होगा, CH इधर, AH इधर, AH इधर, AH इधर। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा यहाँ पर, देखिए सिंगल बॉन्ड ही रहे। ठीक है, तो आपका एकल होगा। ठीक है, फाइंड द प्लूरल वर्म ऑफ द वर्ड थीप्स, थीप मीन्स चोर। ठीक है, थीप जिसके अंत में ज़्यादातर वर्ड होता है तो एफ थीप, थीप का, तो उसमें भी बहुत सारे प्लूरल बनाने के नियम है, तो इसमें ई वी भी ई एस लगा कर बनाते हैं, तो THIEVES होगा। ठीक है, 73 का डी। अब 74 का क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर, किसी व्यक्ति के पास 200 रुपये हैं यदि उनमें से 300 रुपये खर्च कर देता है। ठीक है, 2000 रुपये हैं और 300 का यदि खर्च कर देता है तो वो कितने प्रतिशत का खर्च करता है? तो 300 खर्च करता है तो 2000 में। ठीक है, इसे 100% निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 तो 15% होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा 15% होगा, 74 का भी। यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 1000 में खरीदता है, 1200 में बेचता है, तथा 200 जो होगा 200 रुपये फायदा में कमाता है, तो 1000 का जो 200 होगा कितना परसेंट होगा? 200 आप यहाँ से इधर से दहाई अंक से घटाएंगे 1000 के एक बिंदु तो 10% होगा। ठीक है, तो 100 10%, तो 200 कितना होगा? 20%। सिंपल में निकाल सकते हैं, तो 75 का ही होगा, या आप इसे करके 200 बटा में 1200 गुणे इसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो ये अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है। ठीक है, 76 का बी होगा, लक्षद्वीप। ठीक है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन किस नियम से होता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से, कि कोई भी वस्तु अपने जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था को बनाए रहना चाहती है, जैसे हम गति में है तो उसी में अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं जब तक बाहरी बल लगा ना लगे। ठीक है, आप वो वस्तु जो होती है उसी अवस्था को बनाए चाहते हैं, तो आप अगर ब्रेक मारेंगे तो उसी अवस्था को बनाए रखने के लिए आगे झुक जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 1300 रुपये में बेच दी, तो 1000 रुपये में खरीदा 1300 में बेचा तो 300 का लाभ हुआ। ठीक है, तो 300 का लाभ हुआ तो यहाँ पर 10% 100 होगा। ठीक है, 1000 का तो 300 कितना होगा? 30%, तो आपके आंसर जो 30% का इसका लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में किस में साइट्रिक एसिड प्रचुर रूप से पाया जाता है? साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ठीक है, परिधि शब्द का समानार्थी, परिधि का मतलब किसी भी चीज के चारों ओर का डायमेंशनल। ठीक है, तो यह परिमाप होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन होगा 81 का है। फारेनहाइट पैमाने में पठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान के 5 गुना पठ्यांक है? ठीक है, तो ये 82 का जो होगा ए होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए
तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये रूट टू गुना हो जाएगा। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 84 का, तो ये टूटे फूटे विकृति जन्य, ठीक है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है हड्डियों के टूटे फूटे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 85, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है, वो न्यूनतम तापमान है, तो ठंडा नहीं हो सकता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस इसका मान हो, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसके नीचे ठंडा नहीं हो सकता। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न में से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, वो विकिरण द्वारा प्राप्त करेगा, ठीक है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, जो सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन होता है 90% से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो लैक्टिक अम्ल, इसमें एक प्रकार का जीवाणु होता है लैक्टिको बैसिलस दही में, ठीक है। 18 कैरेट सोना का शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कहा गया, तो 18 जो होता है 18% पूछ रहा है, शुद्ध जो होता है 24 होता है, तो 18/24 × 100, ठीक है, तो ये 36 18 6 4 24 4 25 से हो जाएगा, यहाँ पर 25 75 हो जाएगा, ठीक है, तो 75% होगा, ठीक है, आपका जो इसमें इसका आंसर होगा 79 का 75%। अब चलिए देखते हैं 90 का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, भारी जल जो कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, ठीक है, 91 गंदे, क्वेश्चन नंबर 91 गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न से किस गैस की निकलती है, तो ये अमोनिया निकलता है, ठीक है, लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, सेट होने की प्रक्रिया अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन, ठीक है, NOH सूत्र वाले यौगिक है, क्वेश्चन नंबर 94 का, तो ये कास्टिक सोडा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, तो ये अवतल दर्पण होता है, वस्तु से प्रतिबिंब जो होता है बड़ा दिखाई देता है इस दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, कुछ सीमा तक वस्तु की सभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है, विशेषता कहलाती है, तो ये कुछ सीमा तक तो वस्तु के आकार को संपीड़ित किया जा सकता है, तो ये सघनता कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए 50% तक अच्छा रहता है, ठीक है, ताप का मापने की इकाई है, ताप का मापने की इकाई सेल्सियस है, कैलोरी जो है ऊर्जा का है, ठीक है। 99, क्वेश्चन नंबर 99 का, निम्नलिखित में से किस तत्व का लवण प्राय नीले रंग का होता है, नीले रंग का कॉपर, तांबा का, ठीक है, आप तांबा का क्रिस्टल, तांबा के बर्तन का ध्यान से देखिएगा, तो वो तो हल्का गोल्ड कलर का दिखाई देगा, लेकिन ध्यान से बहुत और देखिएगा तो उसका जो क्रिस्टल होगा वो नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, जो शुद्ध अगर तांबा होगा तो। निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 100 का, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है, सबसे कम जो है वो डी, पिटवा इस्पात में, ठीक है, पिटवा इस्पात में होगा, 100 का डी होगा पिटवा इस्पात। तो इसी तरह हम बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस सेट रोज हम आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार प्रीवियस सेट मारिए, और बिहार पुलिस का तैयारी कराने के लिए मैं बहुत सारे जीके और जीके का सेट उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।